आइए शुरू करते, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है कि कंकाल में कौन सी प्रोटीन प्रमुखता से पाई जाती है, और यहां जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपका है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और इसके बाद क्या ऑप्शन है ऑसिन प्रोटीन, इसके बाद ए और बी दोनों सही है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कंकाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ऑसिन प्रोटीन, या ए और बी दोनों सही, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कंकाल क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंकाल क्या होता है, और कंकाल को पढ़ने के बाद कौन कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है, इस प्रश्न को हम इसी में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कंकाल क्या है, देखिए दरअसल हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे का बना है, और इन्हीं हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। तो हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे का बना है, और हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल कहते हैं, और यह कंकाल हमारे शरीर को सुंदर आकृति और आकार प्रदान करता है। हमारा कंकाल चलने फिरने में सहायता करता है, उठने बैठने में सहायता करता है, और सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि हमारे शरीर में कुछ संवेदी अंग हैं जो कंकाल के पीछे हैं। जैसे अगर बात करते हैं मस्तिष्क की, तो देखिए ब्रेन इस खोपड़ी के पीछे है, और हमारी खोपड़ी क्या है, कंकाल है। यह हमारा हृदय, हृदय कहाँ है, यह हमारे पसलियों के पीछे है, फेफड़ा पसलियों के पीछे है। अगर कोई हृदय को टच कर देगा तो कार्य करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक की संभावना आ जाएगी, ठीक। और फेफड़ा हमारा इतना इतना स्पंजी होता है कि छू देने पर क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ध्यान देना, ये जो हमारे संवेदनशील अंग है सभी कंकाल के पीछे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंकाल तंत्र सभी आंतरिक और संवेदनशील अंगों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। देखिए अब कंकाल जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक बाहरी कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। अगर हम बाह्य की बात करें तो त्वचा के ऊपर चर्म और अधिचर्म से निर्मित संरचना, ये कहलाती है बाह्य कंकाल। जैसे बाल क्या है, बाह्य कंकाल का ही भाग है, नाखून बाह्य कंकाल का भाग है। बात करें पशुओं में सींग, खुर, या फिर कछुए का खोल, मछली का सल्क, ये सब बाह्य कंकाल का भाग है। परंतु ये सभी कैसे बनता है, ये सभी अल्फा केराटिन का बनता है। अब कंकाल के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले हम एक कंकाल बनाएंगे, उसी के द्वारा हम कंकाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा जो कंकाल होता है हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा होता है। तो कंकाल हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, अब हम देखिए दोस्तों ये हड्डी हो गई, यानी ये क्या है, ये है अस्थि, इसे हम कहते हैं हड्डी, अस्थि यानी कि बोन। तो हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, और हम जानते हैं कि हड्डियां कैसे बनती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की बनती हैं, ठीक है ना। हड्डियां कैसे बनती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की बनती हैं, और हमारी हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होती है, मजबूत रहती हैं। और अगर हम बात करें तो अस्थियों के समान एक पदार्थ और होता है उपास्थि, तो इन्हीं अस्थि और उपास्थि से मिलकर क्या बनता है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। तो अस्थि और उपास्थि से मिलकर क्या बनता है, इसी से मिलकर के हमारा कंकाल बनता है। देखिए यहां कंकाल के बीच में क्या होता है, यहां दो हड्डियों के बीच में होता है लिगामेंट, लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि क्या करता है, ये बोन प्लस बोन हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है, बोन प्लस बोन। और अगर हम बात करें हड्डियों के और पेशियों के बीच, देखिए इस भाग को हम क्या बोलेंगे, इस भाग को हम कहते हैं पेशी यानी कि मसल। हमारे शरीर में कुल 639 पेशियां हैं, और अगर बात की जाए सबसे बड़ी पेशी की तो यह होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे लंबी पेशी की तो क्या होती है, सार्टोरियम, और सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। अब यह लिगामेंट हो गया और यह पेशी हो गई, और हड्डियों और पेशियों के बीच क्या होता है, यह होता है टेंडन जो हड्डियों और पेशियों को जोड़ता है, बोन प्लस मसल्स को जोड़ता है। अगर हम बात करें कार्टिलेज और आपके बोन की, तो कार्टिलेज और बोन के मिलने से क्या बनता है, कंकाल बनता है।
ठीक है। और यदि हम बात करें उपास्थियों की, तो उपास्थियां कैसे बनती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की। ये एक निश्चित सीमा तक क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। और उपास्थियों में क्या होता है, कांड्रिन प्रोटीन और कांड्रियोसाइट कोशिकाएं, कांड्रिन प्रोटीन और कांड्रियोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और जो हमारी अस्थियां होती हैं, अस्थियां भी कैल्शियम और फास्फोरस की बनती हैं, लेकिन जो हमारी अस्थियां हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ठोस और मजबूत होती हैं। अगर हम बात करें अस्थियों में उपस्थित प्रोटीन की, तो वो होता है आसिन प्रोटीन। हमारी अस्थियों में आसिन प्रोटीन और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारी हड्डियों के अंदर। कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो लगभग 300 प्लस हड्डियां होती हैं। यानी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो हड्डियां क्या होती है, जुड़ती हैं। इन हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया को हम अस्थि जनन कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। और दो हड्डी को, हड्डी जोड़ने वाला क्या होता है, लिगामेंट, बोन प्लस बोन। हड्डियों को पेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। और हड्डियां कैसी होती है, कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियों में ऑसिन प्रोटीन, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे लंबी हड्डी फीमर है, सबसे चपटी हड्डी क्या होती है, स्टर्नम। यहां जो हमारे पसली को देखिए, ये क्या है, ये 12 जोड़ी पसलियां हैं, और इन्हीं पसलियों के बीच एक चपटी हड्डी है, और इस चपटी हड्डी को हम स्टर्नम कहते हैं। और इसके अलावा सबसे चपटी हड्डी कौन सी होती है, स्कैपुला, जो कंधे के पीछे होती है, इसका नाम स्कैपुला है। और सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी कान की, स्टेप्स। इसके अलावा कलाइम होती है, कार्पल। ध्यान रहे, कलाई में कुल 8, एक कलाई में 8 हड्डियां और एक कलाई में 8 हड्डियां, कुल 16 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं। कान में 6, कपाल में 8, चेहरे में 14 और एक गले में हॉयड होती है। तो ध्यान देना, अस्थियों और उपास्थियों से क्या बनता है, कंकाल बनता है। और कंकाल में कौन कौन सा प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन और आसिन प्रोटीन, ये अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो यहां ये भी सही है ऑप्शन में, यानी ये भी राइट आंसर है। अभी क्या राइट आंसर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगर प्रश्न बनता है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, मसल्स में कौन सा प्रोटीन, तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य नहीं है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं है वह हमें चूज करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा कार्य नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि। तो ये ग्रंथि क्या है, सबसे पहले ग्रंथि क्या है, तो दोस्तों ग्रंथियां हमारे शरीर में उपस्थित गांठें होती हैं, जो कुछ रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं। अगर मैं बात करूं ग्रंथियों की, तो जो ग्रंथियां होती है कुल 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियों को हम ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है वाय स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन, क्या होती है, एक होती है वाय स्रावी, जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन, और एक होती है अंतःस्रावी, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। और एक होती है मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड होती है एक। देखिए, तो अगर हम बात करें एक्सोक्राइन की, तो ये ऐसी ग्रंथियां हैं जिनमें नलिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और इनसे क्या निकलता है, इनसे निकलता है एंजाइम, और एंजाइम क्या करता है, पाचन क्रिया में सहायक है, ठीक है ना। और यहां जो ग्रंथि है इंडोक्राइन, ये नलिका विहीन होती है और अपना स्राव सीधे रक्त में गिराती है, और इनमें क्या होता है, इनमें हार्मोन का स्राव होता है, और इनमें नलिकाएं होती नहीं है, इसलिए हार्मोन को सीधे रक्त रक्त वाहिकाओं में गिराती है, जिससे इस हार्मोन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इसकी, यानी मिक्स ग्लैंड की, तो हार्मोन प्लस एंजाइम ये दोनों का स्राव करती है। इसी कारण क्या है, इसका नाम पड़ गया है मिश्रित ग्रंथि। तो देखिए, अब ये अंतःस्रावी तंत्र, सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र का प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान देना, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ऐसे एक वैज्ञानिक थे
तो सबसे पहले थॉमस एडिसन ने क्या किया था, थॉमस एडिसन ने ही अंतःस्रावी तंत्र का प्रयोग किया था, इसलिए थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहते हैं। और मैंने कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थाइमस, इसके अलावा अधिवृक्क पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, तो बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। अब इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। तो एक बार जरा हार्मोन देख ले कि हार्मोन क्या होता है। तो देखिए, दरअसल हार्मोन का मतलब, हार्मोन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, हॉर्मीन। इसका मतलब होता है हॉर्मीन, और हॉर्मीन का दो अर्थ है, एक टू स्टीमुलेटिंग और इसका एक अर्थ होता है एक्साइट, है ना। और इन दोनों का हिंदी में तात्पर्य क्या होता है, उत्तेजना। यानी कि हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्राव ग्रंथियों से होता है और ये शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमारी सभी जैव रासायनिक क्रियाएं उत्तेजित हो जाती हैं। और देखिए, सबसे पहले हार्मोन को उत्तेजना उत्पन्न करने वाले पदार्थ किसने कहा था, तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो स्टारलिंग एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्मोन को उत्तेजना उत्पन्न करने वाले पदार्थ कहा। तो यहां हम बात कर रहे थे पीयूष ग्रंथि के बारे में। अगर पीयूष ग्रंथि की बात की जाए, तो पीयूष ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान रहे कि इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं अभी हम आगे जान लेंगे। तो अगर बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो यह ऐसी ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में होती है। दरअसल हमारे मस्तिष्क में एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या है, स्टेफेनॉइड। और स्टेफेनॉइड हड्डी में एक गड्ढा होता है जिसका नाम है सेला टर्सिका, स्टेफेनॉइड हड्डी के सेला टर्सिका गड्ढे में यह पीयूष ग्रंथि उपस्थित रहती है। और इसका आकार कैसा होता है, आकार होता है मटर के दाने के समान, होती है, तो मटर के दाने के समान। और अगर बात करें वजन की, तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, 0.6 ग्राम होता है। परंतु जब महिलाओं में गर्भधारण होता है ना, तो यह पीयूष ग्रंथि क्या होती है, ये थोड़ा इसका आकार बढ़ जाता है। महिलाओं में जब गर्भधारण होता है तो इसका आकार बढ़ जाता है। और यदि मैं बात करूं आगे इसके बारे में, तो दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, वृद्धि और विकास करती है, वृद्धि व विकास। लेकिन यह वृद्धि और विकास के साथ साथ हमारे व्यवहार, है ना, और हमारे स्वास्थ्य और लैंगिक वृद्धि तथा अन्य ग्रंथियों से होने वाले हार्मोन के स्राव को, यानी इन सब को यही नियंत्रित करती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ध्यान देना, इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। देखिए, जैसे इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है पहला सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। अगर मैं आपसे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की बात करूं, तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन कहते हैं, यानी यह हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करता है। देखिए, अगर इस हार्मोन का अभाव हो जाए, यानी अगर यह एसटीएच, कम हो जाए ना, इसकी कमी से क्या होता है, शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो हाथ पांव क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जिसको हम बौनापन कहते हैं। अगर मान लीजिए यह बढ़ गया, अगर यह बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति कम समय में ही वयस्क दिखता है, लगता है वो बूढ़ा हो चुका है। तो दोस्तों, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसकी कमी से बौनापन और जिसकी अधिकता से शरीर बहुत विशाल लंबा हो जाएगा, खली के जैसा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिगेंटिज्म कहते हैं। और यदि मान लीजिए यह अनियंत्रित हो गया, अगर अनियंत्रित हो जाएगा, तो उससे एक्रोमिगैली होती है, ध्यान देना आप लोग, जिसमें हाथ पैर लंबा हो जाता है और चेहरा गोरिल्ला की तरह हो जाता है। तो दोस्तों, और क्या निकलता है यहां से, और निकलता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जिसका स्राव मादा की
दुग्ध ग्रंथियों से होता है और यह दुग्ध निष्कासन में क्या है, सहायक है, इसलिए इसको हम मिल्क हार्मोन कहते हैं। और यह मां और शिशु के बीच प्यार मोहब्बत, लगाव, ठीक है, चुंबन या गले मिलना, इन सबको यही नियंत्रित करता है और इसीलिए इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। तो लव हार्मोन भी यही है, मिल्क हार्मोन भी यही है। यदि इसके आगे बात करें तो क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या क्या करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यह वो हार्मोन है जो क्या करता है, हमारे शरीर में मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर यह हार्मोन कम निकलेगा तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और जब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, या उसी रोग को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस कैसे बढ़ता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाने से, और उसे कंट्रोल कौन करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और यह हार्मोन कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। दोस्तों आगे होता है आपका फोलिकल, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यह ऐसा हार्मोन है जो हमारे वृषणों को क्या करता है, शुक्राणु के निष्कासन के लिए, के स्राव के लिए प्रेरित करता है। तो क्या करता है, शुक्राणुओं के स्राव के लिए प्रेरित करता है। और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं LH। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह वो हार्मोन है जो वृषणों का विकास करता है, यह वो हार्मोन है जो मादा के अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, और यही वो हार्मोन है जो क्या करता है, जो गर्भाशय को, मादा गर्भाशय को निषेचित अंडा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। तो निषेचित अंडा ग्रहण के लिए कौन करता प्रेरित, यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा अंडाणु को अंडा मुक्त करने के लिए भी क्या करता है, प्रेरित करता है। इसके अलावा वृषणों का विकास करता है, और जब भी ये कार्य करेगा तो एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है, एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है, अकेले कार्य नहीं करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला, पुरुषों में वृषणों का विकास करना, जी हां इसका ये कार्य सही होता है, और फिर महिलाओं में एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए प्रेरित करना, इसमें क्या है, यह भी सही है, गर्भाशय को निषेचित अंडा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना तो सही है, वृषणों को शुक्राणु निर्माण के लिए प्रेरित। दोस्तों ये गलत है, ये कार्य किसका होता है, ये कार्य होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य होता है। तो इसमें एक ऑप्शन क्या है, गलत है, इसका मतलब तो कौन सा कार्य नहीं है ना, ऐसा पूछा गया है, तो यही क्या है, कार्य नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा डी वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आयोडीन के अत्यधिक उपभोग से उत्पन्न होने वाला घातक रोग कौन सा है। तो आयोडीन के अत्यधिक उपभोग से कौन सा रोग होता है, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए आयोडीन, अब आयोडीन हमें कहां से प्राप्त होता है, देखिए आयोडीन ऐसा पदार्थ है जो, यानी यह अधातु है और इसको हम शामिल करते हैं हैलोजन ग्रुप में, यह अधातु है, यह शामिल है हैलोजन ग्रुप में, और इसका जो प्रमुख स्रोत है, इसका प्रमुख स्रोत है शैवाल। यह मिलता कहां से है, यह मिलता है लैमिनेरिया शैवाल से या फिर कारा नाइट्रेला से मिलता है। अगर बात की जाए लैमिनेरिया शैवाल की, तो लैमिनेरिया शैवाल ये समुद्र में यानी महासागरों में पाया जाता है। प्रश्न क्या है कि आयोडीन के अत्यधिक उपभोग से उत्पन्न होने वाली घातक बीमारी है, या कौन सी बीमारी होगी, देखिए साइमन रोग, हाशिमोटो रोग, एडिसन रोग, घेंघा रोग। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि हमारे शरीर में क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, और इसके अलावा क्या होती है, एक अन्य ग्रंथि होती है, इसका नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यह ऐसी ग्रंथि है दोस्तों, ये ऐसी ग्रंथि है जो यहां हमारे गले में होती है, गर्दन में एच के आकार की होती है, थायराइड ग्लैंड। और यहां से क्या होता है दोस्तों, यहां से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन,
क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, यहां से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब देखिए जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है दोस्तों, आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है तो आयोडीन क्या होता है, बढ़ जाता है, आयोडीन ज्यादा मात्रा में निकलता है, अधिक मात्रा में बढ़ता है, क्योंकि ये आयोडीन को नियंत्रित करती है। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है, और ध्यान देना, तो जब ये कम होगा और आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बढ़े हुए आयोडीन के खिलाफ, यानी जब आयोडीन की अधिकता होगी, अधिकता होगी तो हम किसकी अधिकता, आयोडीन की, जब आयोडीन की अधिकता होगी तो हम क्या करेंगे, हम आयोडीन के खिलाफ और आयोडीन, बढ़े हुए आयोडीन को कम करने के लिए और थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव के लिए क्या करेंगे, औषधि का उपयोग करेंगे। और जब हम औषधि का उपयोग करते हैं ना, तो होता क्या है कि उन औषधियों को, जिस औषधि का हम प्रयोग करते हैं, उन औषधियों को हमारी बॉडी एंटीजन मान लेती है। यानी कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम होता है या इतनी कम मात्रा में हो जाता है कि जो हमारा शरीर है, शरीर इसे क्या मानता है, शरीर इसे एंटीजन मानता है, क्या मानता है, एंटीजन, ठीक। तो शरीर क्या होता है, इसके कम स्राव को एंटीजन मानता है। और भाई जब कोई बॉडी में हमारे एंटीजन बनेगा तो तुरंत क्या होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा, और इसीलिए इस एंटीजन के खिलाफ क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाता है शरीर में, ठीक है। तो दोस्तों एंटीबॉडी बन जाता है, और एंटीबॉडी क्या करता है, थायरॉक्सिन के विरुद्ध काम करता है, और उस समय क्या होता है, उस समय शरीर काफी मोटा हो जाता है, और शरीर के मोटे होने को हम क्या कहते हैं, हाशीमोटो कहते हैं। और ध्यान देना, इसी रोग को, हाशीमोटो रोग को ही, ये जो हाशीमोटो रोग है, इस हाशीमोटो रोग को हम थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या, इसे ही हम क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। तो वही होता है कि जब आयोडीन अधिक होता है तो थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो जाती है, और जब थायरॉक्सिन की मात्रा कम होती है तो शरीर इसकी अल्प मात्रा को क्या मान लेता है, एंटीजन मान लेता है, और इसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, और एंटीबॉडी के बन जाने से दोस्तों क्या होता है, शरीर हमारा फूल जाता है, और इस रोग को हम क्या कहते हैं, हाशीमोटो कहते हैं, ठीक है ना, जिसको थायराइड रोग कहते हैं, ठीक है, जब शरीर फूल जाता है इसको हाशीमोटो रोग कहते हैं, और इसी रोग को हम कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। यह वही रोग है। और यदि बात करें साइमंड रोग की, तो साइमंड रोग क्या है, देखिए दोस्तों साइमंड रोग ऐसा रोग है जो कैसे होता है, यह ऐसा रोग होता है जो हमारे पीयूष ग्रंथि से क्या है, संबंधित है। साइमंड रोग हमारे पीयूष ग्रंथि से क्या है, संबंधित है। देखिए जब यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, जब हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एसटीएच हार्मोन, यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, अगर यह हार्मोन का स्राव कम हो जाता है ना, तो इस हार्मोन के स्राव के कम होने से क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है ना, और इसी में क्या होता है, इसके बहुत कम स्राव होने से व्यक्ति क्या होता है, बहुत कम उम्र में ही वयस्क दिखता है, यानी बूढ़ा हो जाता है। तो जब व्यक्ति बहुत कम समय में वयस्क दिखता है तो उसे क्या कहते हैं, साइमंड रोग कहते हैं। और साइमंड रोग कैसे होता है, या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के कम स्राव से, अल्प स्राव से होता है। और देखिए जो हाशीमोटो रोग है वो आयोडीन के अत्यधिक उपभोग से होता है। और यहां एक रोग और है, एडिसन रोग। अब ये एडिसन रोग क्या है दोस्तों, एडिसन ऐसा रोग है जो हमारे एड्रिनल, या कौन सी ग्रंथि से, ये ऐसा रोग है जो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या है, संबंधित है। और यह ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, शरीर में
काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं या मछली आना, उल्टी आना, ये सब प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, एडिसन रोग में शरीर में काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं और यह ऐसा रोग है जो अधिवृक्क ग्रंथि से है संबंधित है दोस्तों। और ध्यान देना, जब इस ग्रंथि में क्या होता है, जब इस ग्रंथि में एल्डोस्टेरॉन या फिर कार्टिसोल, ठीक, या फिर क्या होता है कार्टिसोल, जब इनका अल्प स्राव होता है, एल्डोस्टेरॉन या फिर कार्टिसोल इनका कम स्राव होता है, तो इनके कम स्राव से क्या होता है, एडिसन रोग होता है। और एडिसन रोग एक ऐसा रोग है जिसमें त्वचा पे क्या होते हैं, काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं। अगला क्या है, घेंगा। तो घेंगा कैसे होता है, आयोडीन के अभाव में होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हाशिमोटो रोग, जो कि आयोडीन के अत्यधिक उपभोग से होता है। महिलाओं में पुरुषोचित लक्षणों अर्थात भारी आवाज, दाढ़ी मूछ बढ़ना का प्रकट होना क्या कहलाता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें पुरुषों वाले लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दरअसल होता क्या है, महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग लैंगिक लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं के लैंगिक लक्षणों की, तो महिलाएं में क्या होता है, उनकी त्वचा मुलायम होती है, शरीर पे बालों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। यदि हम बात करें आगे, तो उनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है और उनमें दाढ़ी मूछों का विकास नहीं होता। और इसी के बाद अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में लक्षण ये होता है कि पुरुषों में दाढ़ी मूछ का विकास होता है, आवाज मोटी होती है, त्वचा खुरदुरी होती है, ये सब होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर से यह लक्षण पुरुषों में दिखाई देता है, यानी कि क्या होता है कि महिलाओं का जो लक्षण है वो पुरुषों में आता है और पुरुषों का लक्षण क्या होता है, महिलाओं में आता है। तो महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण भारी आवाज, दाढ़ी मूछ का प्रकट होना, ये क्या कहलाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिए, अगर बात करें लैंगिक लक्षण की, इसको हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है जो महिला और पुरुष में क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं एंड्रोजन की, तो एंड्रोजन क्या होता है, यह ऐसा हार्मोन है जो मोटी आवाज, खुरदुरी त्वचा या फिर इसके अलावा दाढ़ी मूछ आना इन सबके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। वही एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये बेसिकली किसका होता है, महिलाओं में होता है। और ये किस लिए होता है, यह पतली आवाज या फिर पतली आवाज के अलावा मुलायम त्वचा, बालों की संख्या में वृद्धि बढ़ाना, ये इन सब के लिए होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ये एंड्रोजन की, तो लक्षण किसमें होते हैं, या पुरुषों में होते हैं, और ये किसमें होते हैं, ये होते हैं महिलाओं में। तो कभी कभी क्या होता है, ये सिम्टम क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि पतली आवाज, मुलायम त्वचा और दाढ़ी मुछाना, ये आता है पुरुषों में और लक्षण क्या होता आता है, महिलाओं में। देखिए, अगर महिलाओं में ये एंड्रोजन हार्मोन का स्राव ज्यादा हो गया, किसमें, महिलाओं में, तो इनमें पतली आवाज क्या होगा, इसमें तो दोस्तों इनमें क्या होगा, मोटी आवाज, खुरदुरी त्वचा और क्या, दाढ़ी मूछ होंगी। तो क्या होगा, अगर महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा तो महिलाओं में ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अगर पुरुषों में एस्ट्रोजन बढ़ गया तो क्या होगा, पतली आवाज, मुलायम त्वचा और बालों की संख्या बढ़ जाएगी, तो पुरुषों में लक्षण आते हैं। तो ध्यान देना कि एस्ट्रोजन की संख्या घटने बढ़ने से क्या होता है, लक्षण आते हैं।
तो यहां जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, एक्रोमिगैली। पहला ऑप्शन है एक्रोमिगैली। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके बात करूं कि होता क्या है, तो महिलाओं में भारी आवाज, दाढ़ी मूछ आना, ये क्यों होता है? तो महिलाओं में पुरुषों वाला एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन का अधिक स्राव। अगर मान लीजिए महिलाओं में एंड्रोजन का अधिक स्राव होगा तब ऐसा होता है, और इसे हम कहते क्या है, एक्रोमिगैली। अगर एक्रोमिगैली की बात करें तो ये ऐसा रोग है जो एसटीएच हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इस हार्मोन के अनियंत्रण से होता है। दरअसल एक्रोमिगैली ऐसा रोग है जिसमें हाथ पैर लंबे हो जाएंगे और जो चेहरा कैसा जाएगा, ये बंदर तरह हो जाएगा, इसको एक्रोमिगैली कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या ये गलत है। फिर है गिगेंटिज्म, ये क्या होता है, एसटीएच हार्मोन की अधिकता से होता है, इसमें क्या होता है, शरीर बहुत ही लंबा हो जाता है दानव के आकार का। और फिर क्या है, विरिलिज्म है, उसके बाद क्या है, गायनोकोमास्टिया है। तो दोस्तों यहां पे ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, और चूज करना है दोनों को, क्या ये विरिलिज्म होगा कि गायनोकोमास्टिया होगा। तो महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण के लिए क्या होता है, इसमें होता है आपका विरिलिज्म, इसमें क्या सही होगा, विरिलिज्म। तो विरिलिज्म होता है जिसके कारण महिलाओं में पुरुषों की तरह भारी आवाज, दाढ़ी मूछें आना आदि समस्याएं होती है। अगर मैं बात करूं गायनोकोमास्टिया की, तो गायनोकोमास्टिया क्या होता है, ये पुरुषों में होता है, पुरुषों में पतली आवाज, मुलायम त्वचा या फिर बालों की संख्या बढ़ जाना, ये पुरुषों में होता है। और ये किस लिए होता है, पुरुष के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से होता है। इस बात को आप ध्यान देना कि यहां राइट आंसर क्या होगा, आपका विरिलिज्म होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई, 1988, 1975, 1969 या 1981। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानकारी लेनी होगी कि आखिर ये एड्स क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि एड्स एक घातक बीमारी है, एक घातक और जानलेवा बीमारी है जिसका प्रभाव हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है, यानी हमारे जो रोगों से लड़ने वाली क्षमता होती है उस पर यह प्रभाव डालता है। तो प्रश्न क्या है कि एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए देखते हैं कि एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई थी। तो अगर बात की जाए एड्स की, तो इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, यानी एक प्रकार का सिंड्रोम है। तो ध्यान दें, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, लेकिन इसे हम कहते क्या है दोस्तों, लोक सेवा में आया था क्वेश्चन कि छरहरा रोग किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं छरहरा रोग, यह प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा इसे हम क्या बोलेंगे, छरहरा रोग कहते हैं, छरहरा रोग। और इसके अलावा इसे कहते हैं उपार्जित प्रतिच्छीनता रोग, उपार्जित प्रतिच्छीनता रोग, क्योंकि इसका प्रभाव कहां होता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर होता है। अगर मैं बात करूं इसका कारक क्या है, तो इसका कारक होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि HIV। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या होता है, इसका कारक होता है जिसको हम कहते हैं HIV। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये HIV है। और दोस्तों ध्यान देना, कुल 9 प्रकार का होता है इंडिया में HIV-1C, ये क्या है, एक्टिव है। तो और ये होता क्या है, यह एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। ध्यान देना, जो एड्स का वायरस क्या होता है, यह होता है एक प्रकार का रेट्रो वायरस। और दोस्तों अगर बात करें इसके प्रभाव की, देखिए तो इसका प्रभाव कहां होता है, इसका प्रभाव होता है हमारे
प्रतिरक्षा तंत्र पर, यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारे एंटीबॉडी पर, एंटीबॉडी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट कहां पड़ता है एंटीबॉडी पर। अगर हम जाने कि फैलने के कारण क्या है, तो ध्यान देना, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्त के आदान प्रदान से, या फिर असंक्रमित माता के शिशु को दूध के स्तनपान से होता है दोस्तों, या फिर कैसे होता है, या जो है संबंध से होता है, रक्त के आधान से होता है, स्तनपान से होता है, तो दोस्तों ये सब क्या होते हैं, इसके होने के कारण होते हैं। और यदि बात की जाए, और हाँ एक कारण और, अगर कोई सिरिंज या सुई संक्रमित है उसी से लगा दिया जाए तो उससे भी होता है। अगर हम बात करते हैं लक्षण की, तो किसी को यदि एड्स की बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति में यह होता है कि जो भी रोग होते हैं वह रोग जल्दी सही नहीं हो पाते। जैसे जुखाम, जुखाम हुआ तो होता ही रहेगा, बुखार, उल्टी, दस्त, कोई रोग होता है तो जल्दी से वह रोग ठीक नहीं हो पाता है, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है इसमें। क्योंकि भाई क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ये तबाह कर देता है। लेकिन एक बात जानते रहिए, इसके लिए एक परीक्षण होता है, इसका टेस्ट होता है। अगर इसके मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट का नाम है एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, यह इसके टेस्ट का नाम है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलिसा, तो एलिसा परीक्षण होता है। और इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एजेडटी दवा का नाम है, एजेडटी, जिसको हम कहते हैं एजिडोथायमाइड, एजिडोथायमाइड, थायमाइड, और इसके अलावा जूडोउडीन। तो जूडोउडीन ये इसके लिए दवाइयां होती हैं, एजिडोथायमाइड और जूडोउडीन। और जब किसी को, जब किसी व्यक्ति को इस वायरस का प्रभाव होता है तो ध्यान देना, उसमें पहली प्रॉब्लम क्या होगी, रात में जब सोएगा तो व्यक्ति को रात में सोते हुए पसीना होता है। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो जो जननांग होते हैं, जननांगों में खुजली होती है, यह भी एक प्रमुख समस्या है इस रोग की। यदि इसके अलावा बात किया दोस्तों, अगर इसके हम अतिरिक्त बात करें तो इसमें क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कमजोरी आती है, वजन बहुत तेजी से घट जाता है। और अगर बात करें दोस्तों इसके खोज की, तो ध्यान देना इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी, 1975 में, 1975 में सबसे पहला मामला आया था एड्स का सैन फ्रांसिस्को में। और यदि बात करें खोजकर्ता की, तो सबसे पहले इसकी खोज 1883 में, लगभग जो है 1983 में, 1983 में यानी कि 1983 में फ्रांसकोवा, ठीक दोस्तों, तो फ्रांसकोवा एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने क्या किया था, एड्स के इस विषाणु की खोज की थी। और इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट गेलो साहब आए थे, रॉबर्ट गेलो ने क्या किया था, एड्स के विषाणु की खोज की थी। तो फ्रांसकोवा और रॉबर्ट गेलो दोनों ने क्या किया था, एड्स के विषाणु की खोज की थी। लेकिन सबसे पहले खोज, एक जो पहला पेशेंट था वो कब पाया गया, 1975 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा 1975 में क्या होगा, सही ऑप्शन है। यदि आगे बात करें तो हृदय के विषय में असत्य कथन क्या है, तो हृदय के विषय में कौन सा असत्य कथन है, पहला हृदय की धड़कन नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है, दूसरा हृदय की जांच करने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है, तीसरा ऑप्शन पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, चौथा ऑप्शन साइनो ओरिकल नोड प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, ठीक है ना, साइनो ओरिकल नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और जो प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा कथन असत्य है, उसका आपने चुनाव करना है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है, हृदय की जांच करने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है, पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, साइनो ओरिकल नोड को पेसमेकर कहते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि हृदय में कौन कौन से अंग हैं, तो समझने बहुत आसानी होगी।
तो कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहली बात, जो हमारे हार्ट का जो सबसे बड़ा आवरण होता है, हृदय के आवरण को हम क्या कहते हैं? हृदय के आवरण को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि इसका आवरण यदि पेरिकार्डियम है तो इसमें कौन सा द्रव्य होता है? दोस्तों इस तरह होता है हार्ट का स्ट्रक्चर। यहां वाल्व होता है और यहां भी क्या होता है? वाल्व होता है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान देना आप लोग, इसमें इधर देखिए जो राइट वाला भाग है इसको हम दाहिना आलिंद कहते हैं। तो ये क्या है? दाया आलिंद है। ये क्या है? दाया आलिंद है। यदि आगे बात किया तो क्या दाया निलय है? दाया निलय। राइट वेंटिकल है। बीच में बात करें तो क्या है? ये ट्राइकुस्पिड वाल्व है। द्विवलनी कपाट है। द्विवलनी कपाट, डाइकुस्पिड वाल्व इसको बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स यहां देखिए, यहां पे दो सिराएं होती हैं, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। यहां दो सिराएं होती हैं, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है। अब देखिए यदि हम इसके अलावा बात करें तो ये क्या है? दाहिना आलिंद और दाया निलय है। तो दाहिना भाग है। यहां देखिए आलिंद में क्या होता है? इसी आलिंद के बीच में साइनो ओरिकल नोड होता है। यहां क्या होता है? यहां होता है एस ए नोड, यानी यही होता है साइनो ओरिकल नोड। ये साइनो ओरिकल नोड क्या करता है? हमारे हृदय में ये क्या करता है? एक संवेग यानी एक आवेग यानी इंपल्स की उत्पत्ति करता है, जिससे हृदय की धड़कन क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो ध्यान रहे साइनो ओरिकल नोड को हम क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा दाहिना हिस्सा होता है हृदय का, इधर अशुद्ध रक्त आता है और फिर इस फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में जाता है और वहां शुद्ध होने के बाद फिर फुफ्फुस सिरा से फिर आलिंदों में आता है। यानी इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा। और ये क्या है? बायां आलिंद है। ये बायां आलिंद है। और ये क्या है? बायां निलय है। ये बायां निलय है। और इसको कहते हैं द्विवलनी कपाट। ये द्विवलनी कपाट है, ठीक है दोस्तों। और देखिए जब ये सिकुड़ता है तो रक्त को आगे भेजता है। जब हृदय क्या होगा, पहले क्या होता है? इन दोनों अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से संपूर्ण शरीर का जो अशुद्ध रक्त है कहां पहुंचता है? ये हमारे दाहिने आलिंद में आता है, फिर दाहिने बाएं दाएं निलय में आएगा, फिर पहुंच जाएगा फेफड़े के पास, फिर फेफड़े में शुद्ध होगा और यहां फिर हृदय में आएगा, बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में, फिर महाधमनी से बाहर चला जाएगा। देखिए जो हृदय होता है इसके आवरण को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका आवरण क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है। और हृदय में पेरिकार्डियल द्रव होता है और यह पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है? हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, सुरक्षा करता है। पेरिकार्डियल द्रव इसमें होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यही सब होता है। तो ऐसे नोड क्या है? पेसमेकर का कार्य करता है। और जिसमें जो पेरिकार्डियम होता है दोस्तों, ये वह भाग है, पेरिकार्डियम वह भाग है जो हृदय के बाहरी आवरण में होता है। तो इसके बीच दो झिल्ली होती है और बीच में द्रव भरा होता है। अगर हम बात करें इस हृदय की जांच की तो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी नाम इसका है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हृदय की जांच हम करते हैं। तो हृदय संबंधी जांच के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या था। तो हृदय के विषय में असत्य कथन चुनिए। हृदय की धड़कन नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक। जी हाँ, पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हृदय के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। हृदय की जांच करने वाला यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों ये क्या होता है? ये रक्त दाब, ध्यान देना, क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को मापता है, ना कि
हृदय की रचना को मापता, ध्यान देना, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ईसीजी का प्रयोग होता है। और वहीं फिर पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, यह भी क्या है, सही है। तो साइनो ओरिकल नोड जो प्राकृतिक पेसमेकर है और इसका कार्य होता है हृदय की गति का नियंत्रण करना और रुकी हुई हृदय गति को चालू करना, यह कार्य होता है पेसमेकर का। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका गलत ऑप्शन क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये सही नहीं है। हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग होता है, ना कि स्फिग्नोमैनोमीटर का। आगे लाइकेन के विषय में असत्य कथन कौन सा है, ये दो जातियों के सहवर्ग से, दोस्तों होता क्या है, जो लाइकेन होता है, ये लाइकेन ऐसा जीव है जो क्या होता है, दो जातियों के सहवर्ग का परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से नष्ट हो जाते हैं। ये कवक माइकोबायंट व शैवाल फाइकोबायंट घटक से बनते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वनों में बहुतायत पाए जाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि कवक, पहले देखेंगे लाइकेन क्या है, आखिर लाइकेन है क्या और लाइकेन होता कहां है। तो अगर मैं आपसे लाइकेन की बात करूं, जैसे हम देखते हैं कोई पेड़ है, अब ये कोई पेड़ है, अगर लाइकेन की बात की जाए तो ये मान लीजिए कोई पेड़ है और इस पेड़ का तना ये है, तो होता ये है, हम देखते हैं कि इस पेड़ के तने पर सफेद सफेद भाग चिपका होता है और इन्हीं सफेद सफेद भाग को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि इन सफेद भागों को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, यही होता है लाइकेन, लाइकेन। तो अगर बात करें लाइकेन कैसे बनता है दोस्तों, तो लाइकेन कैसे बनता है, ये कवक व शैवाल दोनों के बीच की कड़ी है, आधा कवक आधा शैवाल। अगर मैं कवक की बात करूं तो माइकोबायंट, अगर इसकी बात की जाए तो माइकोबायंट और अगर इसकी बात की जाए क्या होता है, फाइकोबायंट। तो माइकोबायंट और फाइकोबायंट इन दोनों के मध्य की क्या क्या है, कड़ी है, इन दोनों के मध्य की ये कड़ी होता है माइकोबायंट और फाइकोबायंट। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों है कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन होता कहां है, तो पेड़ की छालों में होता है। और लाइकेन के बारे में विशेषता यह है कि लाइकेन पहाड़ पर, पर्वत पर या नम स्थान पर, इन जगहों पर होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कहां होता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, यानी ये अधिक मात्रा में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये लाइकेन की विशेषता है। यदि हम लाइकेन के बारे में और बात करें तो देखिए, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार जो है कड़वे होते हैं, तो अम्ल क्षार सूचक में क्या होता है, लिटमस पेपर का प्रयोग होता है। उस लिटमस पेपर को हम कहां से प्राप्त करते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कहां से बनता है, तो लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है। और लिटमस पेपर से अम्ल और क्षार का सूचक निकालते हैं हम लोग कि क्षारी है कि अम्ली है। और यदि आगे बात की जाए तो इसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण सूचक, वायु प्रदूषण सूचक। देखिए दरअसल इसको हम वायु प्रदूषण सूचक क्यों कहते हैं, अगर हम बात करें वायु प्रदूषण सूचक की, तो देखिए जब किसी पौधे पर, यानी जब किसी क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन अपने आप क्या होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जब लाइकेन नष्ट हो गया है, इसका मतलब यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से लाइकेन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण सूचक कहते हैं। और लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। यह अधिकतम कहां होता है, नम स्थानों पर होता है, पहाड़ों पर होता है दोस्तों, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। इससे क्या मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है। और इसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण सूचक, क्योंकि जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वहां लाइकेन नहीं होते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है।
ये दो जातियों के सहवर्ग से बनते हैं तो इसमें क्या होगा, ये हमारा राइट होगा। सही तो है, ये सही है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से नष्ट होते हैं, या ए कवक माइकोबायंट और शैवाल फाइकोबायंट के घटक से बनते हैं, या ये उष्णकटिबंधीय वनों में अधिकतम पाया जाता है। तो ध्यान देना, इसमें दोनों सही है, लेकिन इसमें क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि क्या होगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। दोस्तों क्या होगा, ये होगा सल्फर डाई ऑक्साइड, और उसके बाद क्या होगा, तब आपका ये सही रहेगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहां जो ऑप्शन आपका बी है यही क्या है, सही है। तो यहां सल्फर डाई ऑक्साइड होता है, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड के बनने से जो लाइकेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से जलों की क्या विशेषताएं हैं, अब निम्नलिखित में से जलों की क्या विशेषताएं हैं, इनका विकास प्रांकुर से होता है, या इनमें नोड्स और इंटर नोड्स होता है, या इन पर एक कोशिकीय रोम होते हैं, या इनमें धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। तो जलों के बारे में क्या सही है क्या गलत है, ये चुनना हमको। फिर से, इसका विकास प्रांकुर से होता है, या दोस्तों इसमें संधियां और परसंधियां होती हैं, इनमें एक कोशिकीय मूल होता है, यानी एक कोशिकीय रोम होता है, इस बात का ध्यान देना आप लोग, एक कोशिकीय रोम होता है, और इसके अलावा क्या दे रहा है, इसमें धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। तो अगर हम बात करें जड़ की, तो देखिए जड़े ऐसा भाग है, जड़े पौधे का वह भाग है दोस्तों जो पौधे को मिट्टी से उपस्थित जल और खनिज को प्रदान करता है। तो अगर मैं बात करूं किसी जड़ की, कि मतलब किसी जड़ की, जड़ क्या होती, देखिए अगर हम ये कहें बीज है, अगर कोई बीज है तो जब इस बीज में अंकुरण होता है तो इस बीज के सबसे पहले भाग को हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, अर्थात इसको हम रेडिकल कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहेंगे, इसे हम रेडिकल कहते हैं, और जो रेडिकल होता है यही रेडिकल कहां पहुंचता है, मिट्टी में पहुंचता है, और जो भाग बाद में बनता है इस भाग को हम क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं। यह होता है प्लूम्यूल, और यह क्या है, मूलांकुर। तो मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर सबसे पहले मिट्टी के अंदर पहुंचता है, और मूलांकुर मिट्टी के अंदर पहुंच करके जड़ों का विकास करता है, ठीक है। तो मूलांकुर से क्या बनता है, जड़ बनती है, यानी कि रेडिकल्स जड़ बनती है, और प्रांकुर से क्या बनता है, तना बनता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं किसी जड़ के बारे में, देखिए जैसे अगर किसी जड़ के बारे में बात की जाए, तो जैसे अगर हम किसी जड़ के बारे में बात करते हैं, ये और सबसे बड़ी बात क्या है कि जड़ों में क्या होते हैं, जड़ों में बहुत पतले पतले रूट हेयर होते हैं, ऐसे सबसे बड़ी बात दोस्तों। अगर जड़ के बारे में बात की जाए तो देखिए जड़ यानी कि रूट, तो पहला पॉइंट क्या होता है, विकास मूलांकुर से होता है, मूलांकुर से होता है, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेडिकल। तो इसका विकास कहां होता है, मूलांकुर से, विकास मूलांकुर से। यदि हम बात करें जड़ें कैसी होती हैं, तो भाई जड़ों में क्या होता है, जड़ों में देखो अब जड़ में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, इनको हम कहते हैं रोम, या इनको कहते हैं मूल रोम, या इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर, इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। अगर रूट हेयर की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय बाल होते हैं, और जो सबसे आखिरी पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं मूल गोप, रूट कैप, मूल गोप। तो मूल गोप अर्थात रूट कैप वह भाग है, रूट कैप वह भाग है, ये कैसा होता है, बहुत मुलायम होता है, अगर इसको हम टच करेंगे टूट जाएगा, अगर इसको टच करेंगे क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन यह इतना मुलायम होते हुए भी मिट्टी कितनी भी कंकरीली पथरीली बजरीली हो, लेकिन मिट्टी में क्या होता है, ये पहुंच जाता है, मिट्टी में घुस जाता है, तो इसको कहते हैं मूल गोप। तो दोस्तों जो जड़ों में क्या होता है, इसमें एक कोशिकीय
मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो ना तो इसमें संधियां, जो संधियां होती हैं वो तनम निकलती हैं, ऐसे होती संधियां, तो संधियां इन नोड यानी संधियां हुआ पर्व संधियां इंटर नोड्स, पर्व संधियां क्या होती है इसमें अनुपस्थित रहती हैं, यानी संधियां और पर्व संधियां ये क्या होती हैं अनुपस्थित रहती हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें जड़ों की तो जड़ें क्या होती है मिट्टी में प्रवेश करती हैं, जो जड़ों के बाल होते हैं यही बाल मिट्टी के अंदर उपस्थित जल और खनिज को परासरण विधि के माध्यम से, किस विधि के माध्यम से, परासरण विधि के माध्यम से जड़ों के मूल रोम मिट्टी के अंदर उपस्थित जल को और खनिज को अवशोषित करके इस जड़ को प्रदान करते हैं, जिससे वह जल और खनिज कहां आता है तनों में पहुंचता है और तनों में केशिकत्व के माध्यम से जाइलम उतक के द्वारा ये पौधे के सब भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जड़ों में संधियां और परसंधियां नहीं पाई जाती दोस्तों, और क्या होता है जड़ों में मूल गोप होता है, क्या होता है जड़ों में मूल गोप होता है, इस बात का ध्यान देना। देखिए अब जड़ें कहां विकास करती हैं, जड़ें मूलांकुर से निकल करके सदैव मिट्टी और जल की ओर विकास करती हैं, तो हम कह सकते हैं धनात्मक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, इनमें क्या होता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हुआ धनात्मक जलानुवर्तन होता है, अर्थात ये जल और मिट्टी की ओर क्या होती है गति करती है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन धनात्मक जलानुवर्तन होता है। और दोस्तों ध्यान देना जो जड़ें होती हैं जड़ों में हाइपोडर्मिस यानी कि वाह त्वचा अनुपस्थित रहती है, लेकिन जड़ों में एपिडर्मिस यानी कि जिसे कहते हैं मध्य त्वचा क्या होती है उपस्थित रहती है, लेकिन जड़ों में अधिचर्म अर्थात क्यूटिकल का भी अभाव पाया जाता है। और एक बात और, जो जड़ें होती हैं जल और मिट्टी की ओर बढ़ती है ना, इसका मतलब क्या होता है प्रकाश की ओर नहीं बढ़ती, तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है ना, क्या होगा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है, इस बात का ध्यान देना। तो जड़ों में क्या होता है इनका विकास रेडिकल से होता है, इसमें एक कोश की मूल रोम होते हैं, संधियां और परसंधियां नहीं होती, नोड इंटरनोड नहीं होता है, मूल गोप होता है जो सबसे पहले मिट्टी में प्रवेश करता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है, धनात्मक जलानुवर्तन होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है, और जड़े मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज को परासरण विधि के माध्यम से अवशोषित करती है, उसके बाद पौधे को प्रदान कर देती है। दोस्तों तो आइए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। पहला, इनका विकास प्रांकुर से होता नहीं, इनका विकास कैसे होता है रेडिकल से होता है, कैसे होगा रेडिकल से होगा। फिर ये इनमें संधियां और परसंधियां नहीं होती, तो आप बताओ ये सही है गलत है, ये भी क्या दोस्तों रॉन्ग है, ये भी क्या है रॉन्ग है, इन पर एक कोशिकीय रोम होते हैं ये सही है। अब आप बताएं इनमें एक कोशिकीय रोम होते हैं, जी हां होते हैं, और इनमें धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है नहीं, ये किस में होता है ऐसा तने में होता है, क्योंकि तना प्रांकुर से निकल करके, ठीक प्रांकुर से निकल करके प्रकाश और वायु की ओर गति करता है, और जड़ें इसके विपरीत मिट्टी और जल की ओर गति करती हैं, तो इसमें विशेषताएं क्या होंगी, इन पर एक कोशिकीय रोम होता है। यदि हम आगे बात करें तो पाचन तंत्र में पाइलोरिक वाल्व और कार्डियक वाल्व के बीच उपस्थित पाचक अंग कौन सा होता है, तो दोस्तों पाचन तंत्र में पाइलोरिक वाल्व और कार्डियक वाल्व के बीच उपस्थित पाचक तंत्र क्या होता है, पाचन अंग क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा आमाशय, फिर अग्नाशय। अब इनमें आपको चुनना होगा कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में पाइलोरिक वाल्व और कार्डियक वाल्व के बीच कौन सा अंग होता है, तो सबसे पहले यह जानना होगा कि कहां पर होता है पाइलोरिक वाल्व और कहां पर होता है ये आपका
कार्डियक वाल्व। तो ये जानने के बाद ही इसको हम तय कर पाएंगे क्या पूछ रहा है। यदि हम बात करें इस प्रश्न में तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें पाचन की, यदि हम बात करें पाचन की, तो आप देखिए ये हो गया आमाशय, और आमाशय के बाद एक और भाग होता है हमारे पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में, और इस तरह से प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले समझना पड़ेगा कौन सा अंग कहां होता है, उसके बाद इस पॉइंट को अपने आप हम समझ पाएंगे क्या प्रश्न पूछ रहा है। पाइलोरिक वाल्व और कार्डियक वाल्व के बीच का अंग कौन सा है, यही प्रश्न हमारा पूछ रहा था। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पाइलोरिक वाल्व कहां होता है, इसके बाद ही हम इसी प्रश्न को समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि कहां होता है पाइलोरिक वाल्व। देखिए अगर मैं बात करूं पाचन तंत्र की, तो यहां कुछ अंगों को मैंने बनाया हुआ है, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यहां होता है हमारा यकृत, ठीक। तो अगर बात की जाए वाल्वों की, देखिए तो कुछ वाल्व ऐसे होते हैं, देखिए जैसे ये हमारा छोटी यहां, ये हमारा आमाशय है, तो आमाशय पर एक वाल्व होता है। अब इस वाल्व का क्या नाम है इसको हम जानेंगे, ठीक है। यहां एक वाल्व होता है जो हमारे, इसको हम कहते हैं ग्रास नली, ओइसोफेगस। ये क्या है, ये ओइसोफेगस है, इस भाग को हम कहते हैं ओइसोफेगस, ठीक। तो देखिए इसे हम कहते हैं ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, और ये हमारा स्टमक है। क्या ये हमारा स्टमक है, और इसके अलावा ये पैंक्रियाज है, अग्नाशय जो पूछ रहा है, ये पैंक्रियाज है। अगर इसके अलावा बात करें तो ये क्या हमारा लीवर यानी कि यकृत, ये भी क्या है ऑप्शन में पूछ रहा है। और ये आमाशय हो गया, तो एक वाल्व यहां होता है और एक वाल्व यहां होता है। अब देखिए यकृत है, यकृत क्या होता है, जुड़ा होता है हमारे छोटी आंत से। ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, इसको हम कहते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और एक होता है छोटी आंत, ये बीच में क्या है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, ये छोटी आंत है। और अगर मैं बात करूं वाल्वों की, तो दो वाल्व होते हैं, और ये वाल्व कहां कहां होते हैं, देखिए एक वाल्व हमारे यहां होता है, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, और उसके बाद एक वाल्व यहां होता है, और एक वाल्व आपके आमाशय और छोटी आंत के बीच रहता है। तो अगर मैं बात करूं इस वाल्व की, इसे हम कहते हैं कार्डियक वाल्व, ये है कार्डियक वाल्व, इसे हम कहते हैं कार्डियक वाल्व। और यहां देखिए एक वाल्व और होता है छोटी आंत और आमाशय के बीच, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक वाल्व, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ये मुखगुहा शुरू होता है, इसको कहते हैं मुखगुहा, ये मुखगुहा है, और ये क्या है मलद्वार है। तो हमारे पाचन तंत्र का आरंभ मुखगुहा से होता है, और अंत कहां से होता है मलद्वार से होता है। मुखगुहा से लेकर के मलद्वार तक का भाग क्या कहलाता है, इस भाग को हम कहते हैं दोस्तों आहार नाल, और आहार नाल सबसे लंबा होता है, क्या होता है आहार नाल सबसे लंबा होता है, इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर होती है, और हमारे आहार नाल में सबसे लंबा भाग क्या होता है छोटी आंत। तो अभी प्रश्न क्या था कि कार्डियक वाल्व और पाइलोरिक वाल्व के बीच का भाग क्या है, तो बीच का भाग क्या है स्टमक यानी कि आमाशय, क्या होता है आमाशय। तो आप खुद देखिए कि सही आंसर क्या होगा, इसमें आपका सही आंसर होगा
स्टमक यानी कि आमाशय। ठीक, ये होता है बिल्कुल हमारे पाचन तंत्र में पाइलोरिक वाल्व के बीच रहता है। प्रोटीन के विषय में सही कथन कौन सा है? प्रोटीन के विषय में सही कथन कौन सा है कि यह प्रथम स्थान पाने वाले आहार तत्व हैं, यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सभी प्रकार की प्रोटीन का भंडार शरीर में होता है, यह 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से बने होते हैं। अब इस प्रश्न के बारे में आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। पहला क्या है, प्रोटीन के विषय में सही कथन कौन सा है? यह प्रथम स्थान पाने वाला आहार तत्व है, यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सभी प्रकार की प्रोटीन का भंडार शरीर में होता है, यह 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से बना होता है। जो पहला ऑप्शन क्या है, ए व बी सही है, उसके बाद एक या दो सही है, फिर एक या चार सही है, फिर तीन या चार सही है, फिर एक दो तीन सही है। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या आपको समझना पड़ेगा। जब हम प्रोटीन को समझ लेंगे तो प्रोटीन से के कार्यों को अपने आप समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो दोस्तों प्रोटीन क्या है, प्रोटीन, तो अगर बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन की सबसे पहले खोज की थी बर्जीलियस ने, जे बर्जीलियस और मूल्डर ने। तो जे बर्जीलियस और मूल्डर ने क्या किया था, सबसे पहले प्रोटीन की खोज की और प्रोटीन को क्या कहा, प्रोटियस कहा। जे बर्जीलियस और मूल्डर ने क्या हुआ था, 1938 में प्रोटीन की खोज की। और ध्यान देना, जो प्रोटीन शब्द ये कहां से आया है, प्रोटीन शब्द आया है प्रोटियस से, प्रोटियस। और प्रोटियस का हिंदी में मतलब क्या होता है, प्रथम स्थान पाने वाला तत्व, प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। तो प्रोटीन का मतलब, प्रोटियस का मतलब होता है प्रथम स्थान पाने वाला तत्व, ये होती है प्रोटीन। अब देखिए दोस्तों प्रोटीन होता क्या है, तो ध्यान देना प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन क्या है कि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, और इसको हम नाइट्रोजन युक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो इसमें लगभग अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 16% क्या होता है, नाइट्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो ध्यान देना ये कैसे बनता है, 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से बनता है। कैसे बनता है, 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अब इन 20 प्रकार की एमिनो अम्ल में 10 प्रकार की हमारे लिए आवश्यक होती है और 10 प्रकार की अनावश्यक होती है। अगर बात करते हैं 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये 1 ग्राम प्रोटीन की बात है। अगर हम बात करें दैनिक आवश्यकता की, तो दैनिक आवश्यकता कितनी होती है हमें इस प्रोटीन की, तो दोस्तों ध्यान देना इसकी हमको आवश्यकता होती है 80 से 90 ग्राम। ये होती है दैनिक आवश्यकता प्रतिदिन, 80 से 90 ग्राम प्रोटीन की हमें रोज आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका निर्माण हमारी बॉडी में हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम एक ऐसा अंग है, राइबोसोम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर आरएनए, ये तीनों ऐसे भाग है ना जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये तीनों भाग, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका और आरएनए, यानी ये तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रोटीन हम अपने रोज के आहार में शामिल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटीन को प्रतिदिन के आहार में शामिल करते हैं। प्रतिदिन के आहार में क्या होता है, आहार में शामिल करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो सबसे बड़ा कारण इसका क्या है, इसे प्रतिदिन के आहार में शामिल करते हैं क्योंकि
इसका जो भंडार है ना, इसका भंडार शरीर में नहीं होता। तो ध्यान देना, इसका भंडार क्या है, शरीर में नहीं होता है। इसको हमें रोज शामिल करना पड़ता है अपने आहार में। यदि हम बात करें कि प्रोटीन करता क्या है, अगर इसके हम कार्य की बात करें कि प्रोटीन क्या कर सकता है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम प्रोटीन के कार्य की बात करते हैं, इसका कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, शरीर में वृद्धि व विकास। तो क्या करता है, शरीर में वृद्धि व विकास कौन करता है, ये प्रोटीन ही करता है। दूसरा पॉइंट, नए अंगों का निर्माण। अगर मैं नए अंगों के निर्माण की बात करूं, तो जैसे बाल नाखून डेली हमेशा बनते हैं ना, तो बाल नाखून कैसे बनते हैं, अल्फा केराटिन प्रोटीन की, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मायोसिन प्रोटीन की, एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। या ध्यान देना, ये क्या करता है, यह जो है ऊतकों और कोशिकाओं का निर्माण। तो ऊतक क्या है, रक्त। रक्त हमारा क्या है, ऊतक है एक प्रकार का। तो ये क्या करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे रक्त में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, ये सभी क्या है, प्रोटीन है दोस्तों। ये सभी क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो रक्त का निर्माण सब करती है। अगर आगे बढ़े तो डीएनए आरएनए का निर्माण, डीएनए व आरएनए का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन ही करती है। और यदि हम आगे बात करें तो एंजाइम पाचन क्रिया में बहुत अहम होता है। एंजाइम व हार्मोन का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तो ये कौन करता है, ये प्रोटीन ही करता है। एंजाइम और हार्मोन का निर्माण भी प्रोटीन ही करता है। कटे फटे अंगों की मरम्मत, अगर किसी को चोट लग गई है तो क्या होता है, जो कटे फटे अंगों की मरम्मत होता है कौन करता है, यही करता है। कटे फटे अंगों की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो उसके बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बाकी अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो देखिए हार्डिन प्रोटीन कहां होती है, जौ में होती है, ग्लूटीन गेहूं में, जिन प्रोटीन ये मक्के में होती है, और उसके अलावा गोस्पिन प्रोटीन कपास में, फाइब्रोइन प्रोटीन तो रेशम और मकड़ी के जाले में होती है, कोलेजन प्रोटीन प्लाज्मा के पीले रंग के कारण है, एल्बुमिन अंडे के सफेद भाग में, उसके अलावा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो बहुत सारी प्रोटीन है जिनके बारे में लोक सेवा आयोग में प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं कि इसके अनुसार क्या है। तो दोस्तों यहां पर प्रथम स्थान पाने वाला तत्व है, इसको हमने क्या कहा था, प्रोटियस, इसका मतलब क्या होता है, प्रथम स्थान पाने वाला तत्व, ये सही ऑप्शन है। ये क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता। ध्यान देना, ये कार्य किसका होता है, ये कार्य होता है विटामिन का, विटामिन जल और खनिज का होता है। उसके बाद सभी प्रकार की प्रोटीन का भंडार शरीर में होता है, तो सभी प्रकार की प्रोटीन का भंडार शरीर में होता है, तो ये भी क्या है, नहीं, प्रोटीन का भंडार हमारे शरीर में नहीं हो पाता, बल्कि हमें इसको रोज के आहार में शामिल करना पड़ता है। उसके बाद यह 20 प्रकार की अमीनो अम्ल से बनता है, भी क्या है, सही है। तो आपका एक और चार क्या है, सही है। तो यानी एक और चार, तो बी ऑप्शन क्या है, यह सही आपका ऑप्शन है। ठीक है, प्रोटीन से इसी बार प्रश्न आया था लोक सेवा आयोग में, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक कहलाता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक कौन कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक कहलाता है स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक, देखो भाई, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, कहीं ना कहीं वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कोई गाय है तो पेड़ पौधे को खाएगी, इसलिए गाय को शेर खाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से ही सभी को ऊर्जा मिलती है, तो पेड़ पौधों को हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। लेकिन यहां प्रश्न क्या है, पेड़ पौधों को स्वपोषी भी कहते हैं। यहां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि द्वितीयक उत्पादक क्या होता है।
सो फ्रेंड्स देखिए, पहली बात तो क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र, समझेंगे क्या होता है इकोलॉजी। तो ध्यान देना, इकोलॉजी क्या होता है, जैसे अगर दोस्तों किसी हम जीव की बात करें तो कोई भी जीव है उस जीव के आसपास क्या होता है, वायु होती है, जल है, मिट्टी है, ये सब होता है ना, या फिर जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं जंतु, पौधे होते हैं, जंतु या पौधे होते हैं। तो कोई भी जीव है उसको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा वह जंतुओं और पौधों से भोजन प्राप्त करता है। तो इन चारों तरफ उपस्थित सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी कि चारों ओर का आवरण क्या है, पर्यावरण है। तो इस जीव के चारों ओर का आवरण क्या है, पर्यावरण है। अब यह जीव किसी न किसी तरह से अपने पर्यावरण से क्या संबंधित है, जैसे इस जीव को श्वास लेना है तो उसे वायु चाहिए, यानी वो वायु से संबंधित है। इस जीव को पानी पीना है तो जल चाहिए, उससे संबंधित है। मिट्टी भी संबंधित है, इसके अलावा जंतु और पौधे से भोजन करेगा, यह भी क्या संबंधित है। तो किसी भी जीवधारी का उसके आसपास उपस्थित वातावरण के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें आखिर द्वितीयक उत्पादक कौन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम बात करेंगे किसकी, सूर्य की। यह हो गया सूर्य, सूर्य हो गया। उसके बाद इस सूर्य से ऊर्जा कौन लेता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण क्या होता है, कर लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसको खाने वाला जीव क्या कहलाएगा, इसको खाने वाला जीव कहलाएगा शाकाहारी, शाकाहारी। और इस शाकाहारी को कौन खाएगा, जो केवल मांसाहारी होगा, मांसाहारी। और इस, अब इन सबको कौन खाएगा, सर्वाहारी। इस प्रकार बनती है खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। तो स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी और सर्वाहारी। तो अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स की, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पौधों में जो जल होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अभिक्रिया स्वरूप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको हम स्वपोषी कहते हैं। अब देखिए, अब ये पौधा है, अगर इसको ये माली, शाकाहारी में क्या होता है, हिरन है, गाय है, हिरन है या फिर खरगोश है, ये क्या है, शाकाहारी है, ठीक है ना, हिरन खरगोश। तो दोस्तों अगर अगर इस पेड़ को, इसको हिरन खरगोश नहीं खाएंगे तो जीवित रहेंगे, नहीं जीवित रहेंगे। और देखिए, यदि हिरन और खरगोश को शेर बाघ नहीं खाएंगे तो शेर बाघ क्या जीवित रहेंगे, नहीं जीवित रहेंगे, ये भी मर जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि इस पौधे को शाकाहारी खाएगा और शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा और इन तीनों को सब खाएगा। तो अगर पौधा ही नहीं होगा तो ना तो शाकाहारी होगा, अगर शाकाहारी नहीं होगा तो मांसाहारी भी नहीं होगा, और मांसाहारी नहीं होगा तो सर्वाहारी भी नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं ये सभी इसी पौधे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसको हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादक, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न है द्वितीयक उत्पादक कौन है, ठीक। हमारा प्रश्न क्या है कि द्वितीयक उत्पादक कौन है। तो इसको हमने कहा है प्राथमिक उत्पादक। अब द्वितीयक उत्पादक क्या, देखिए, जैसे अगर ये पेड़ नहीं होगा, पौधा नहीं होगा, तो शाकाहारी भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस पौधे को केवल कौन खाएगा, शाकाहारी। अगर मांसाहारी को खाने की बात आएगी तो क्या शेर बाघ इसको खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। अगर शेर को हम मस्त मटर पनीर बना खिलाएं कि खा लो भाई, तो खाएगा नहीं, वो हमको खाएगा, क्योंकि वो मांसाहारी है। तो इस पौधे को कौन खाएगा, शाकाहारी, और इस शाकाहारी कौन खाएगा, मांसाहारी, है ना। तो अगर ये पौधा नहीं होगा तो शाकाहारी नहीं होगा,
और अगर ये शाकाहारी नहीं होगा तो मांसाहारी नहीं होगा। ध्यान देना इस बात पर, अगर ये शाकाहारी नहीं होगा तो मांसाहारी भी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी यह पौधे को नहीं खाएगा, जब भी खाएगा तो शाकाहारी को खाएगा। तो अगर पौधे नहीं तो शाकाहारी नहीं, शाकाहारी नहीं तो मांसाहारी नहीं। इस पौधे, इस शाकाहारी के लिए ये पौधा क्या है? उत्पादक है। और ठीक उसी प्रकार से इस मांसाहारी के लिए ये शाकाहारी क्या है? उत्पादक है, क्योंकि सर्वाहारी किसी को भी खा सकता है। अगर मान लीजिए शाकाहारी नहीं होगा तो इसको भी खा लेगा, लेकिन मांसाहारी कभी पौधे को नहीं खाएगा, जब भी खाएगा शाकाहारी को ही खाएगा। तो अगर पौधा नहीं हुआ तो शाकाहारी नहीं होगा, और शाकाहारी नहीं होगा तो मांसाहारी भी नहीं होगा। तो जिस प्रकार से ये पौधा इस शाकाहारी के लिए उत्पादक है, उसी प्रकार से ये शाकाहारी इस मांसाहारी के लिए उत्पादक है। तो ये हो गया प्राथमिक उत्पादक, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक उत्पादक। और किसके लिए ये द्वितीयक उत्पादक होता है? मांसाहारी के लिए, क्योंकि शेर बाघ केवल इसे ही खाते हैं, घास फूस नहीं खाएंगे। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा शाकाहारी। ये क्या है? ये द्वितीयक उत्पादक है। और प्राथमिक क्या है? ये प्राथमिक उत्पादक है पेड़ पौधों के लिए, और ये पेड़ पौधे क्या है? द्वितीयक उत्पादक है। किसके लिए? द्वितीयक उत्पादक है। और किसके लिए है? वो है शाकाहारियों के लिए है। किसके लिए है? शाकाहारियों के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे पुष्प जिन पर स्त्री के सर यानी पिस्टिल व पुंग के सर दोनों पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्त्री के सरी या पुंग के सरी, ठीक है ना? यानी ऐसे पुष्प जिन पर स्त्री के सर और पुंग के सर दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्री केसरी की पुंग केसरी, या फिर उभयलिंगी, या फिर दोस्तों उभयलिंगाश्रयी। ठीक, तो उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी। तो बहुत शानदार प्रश्न है कि पहले समझना पड़ेगा कि स्त्री केसर क्या है और पुंग केसर क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, जैसे कोई पुष्प है तो दोस्तों क्या है, अगर कोई पुष्प है तो सबसे पहले इसमें बनने वाले भागों को समझना पड़ेगा कि किसी पुष्प में कितने भाग बन जाते हैं। तो अगर मैं पुष्प के बनने वाले भागों की बात करूं तो कोई ये पुष्प मान लीजिए हो गया है, ये कोई फ्लावर्स है दोस्तों। इस पुष्प में क्या होता है? बहुत सारे भाग होते हैं। तो अगर मैं इस पुष्प की बात करूं, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, और देखिए अब दोस्तों ये क्या है, पुष्प बन गया है, उसके बाद इसमें कौन कौन से भाग हैं? ऐसे भाग होते हैं इसमें, देखिए अब मैं बात करूंगा इस पुष्प के मतलब नर भाग की और मादा भाग की। तो अगर मैं इसकी बात करूं यानी कि किस पर होता है पिस्टिल और किस पर होता है स्टेमन, तो अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो क्या है, अभी पुष्प है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जिस पर नर और जिस पर स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों साथ में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो पहले हम बात करेंगे मेल फ्लावर्स की, कि मेल फ्लावर्स क्या है। तो अगर हम बात करें मेल फ्लावर्स की तो आप देख सकते हो यहां जो ये वाला भाग है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं, यानी फिलामेंट कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तंतु होता है। उसके बाद देखिए
दोस्तों उसके बाद होता है अगला भाग, यहां इसको हम कहते हैं एंथर, यानी इसको हम कहते हैं एंथर परागकोष। उसके बाद क्या होता है, अंदर होता है परागकण, इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। ठीक, अंदर क्या होता है, अंदर होता है परागकण यानी पोलन ग्रेन होता है। इस भाग को जरा हम आपको और थोड़ा डीप समझाएंगे। जैसे ये ऐसे निकला हुआ है तो ऐसे होता है, इस तरह होता है। तो ये है परागकण पोलन ग्रेन, और ये परागकोष है एंथर, और ये तंतु है जिसे कहते हैं फिलामेंट। ठीक, ये नर पुष्प का भाग है, और इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, इस पूरे भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। ठीक, और नर पुष्प के वास्तविक भाग को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इसका मतलब होता है एंड्रोसियम कहते हैं। नर पुष्प के वास्तविक भाग को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। देखिए इस तरह से, और इसमें जो परागकण होता है, परागकोष होता है या तंतु होता है, इसे कहते हैं हम स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं इसको, या पुंकेसर बोलते हैं। तो ये नर पुष्प का भाग हो गया। अगर मैं मादा की बात करूं, इधर क्या होता है, इधर होता है मादा पुष्प, तो यहां होता है मादा पुष्प, तो इसको हम कहते हैं फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर का नाम क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं जायांग, यानी गायनोशियम कहते हैं। और इसके भागों को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, गायनोशियम। ठीक, तो देखिए अब अगर इसकी बात की जाए आपसे, तो जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। और फिर उसके बाद जो इसका बीच वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल, ये होता है स्टाइल। और उसके बाद इस भाग को हम कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी, ये ओवरी होता है। और इस वाले भाग को हम कहते हैं प्लेसेंटा, क्या होता है, ये प्लेसेंटा होता है। और बीच में क्या होता है, इसमें पॉइंट पॉइंट का वो अंडाणु होता है, इसको हम कहते हैं अंडाणु, या अंडाणु कहते हैं, या ओवम कहते हैं। ये सभी क्या होता है, ये फीमेल का भाग होता है, और फीमेल भाग को हम क्या कहते हैं, फीमेल को हम कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर, यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं पिस्टिल, इसको हम कहते हैं पिस्टिल। कुछ भाग और भी होते हैं, जैसे ये भाग क्या दोस्तों, ये भाग होता है पेडिकल, ये होता है पेडिकल। और ये भाग क्या है, इसको हम कहते हैं पेटल्स, ये होता है पेटल। और ये क्या होता है, सेपल होता है, ये होता है सेपल। ठीक है ना, ये पौधे में, ये पुष्प में सब भाग होते हैं। उधर वाला मादा भाग है, इधर वाला क्या है, नर भाग है। कुछ भाग ऐसे हैं जो पूरे पुष्प में होते हैं, जैसे क्या है, पेडिकल सब में होता है, या फिर वाय दलपुंज, ये क्या है, दलपुंज है, रंग बिरंगा होता है दलपुंज, इसका नाम दलपुंज है, और ये रंग बिरंगा होता है। और उसके बाद देखिए ये क्या है, ये वाय दलपुंज है, ये हरे रंग का होता है। ठीक, और दोस्तों बीच में क्या होता है, यहां होता है पुष्पासन, इसको हम कहते हैं पुष्पासन यानी कि थैलेमस, तो इसको हम थैलेमस भी कहते हैं, अर्थात पुष्पासन भी कहते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। अब प्रश्न क्या है कि ऐसा पुष्प जिस पर दोनों भाग हो, जिस पर दोनों अंग उपस्थित हो, उसको हम क्या कहेंगे, यानी जिस पर पुंकेसर भी हो और जिस पर स्त्री केसर भी हो, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कोई पुष्प है तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयलिंगी, यानी कि दोनों लिंग क्या है, एक ही पर है। जैसे अगर मैं बात करूं बाजरा की, गेहूं की, है ना, बाजरा है, गेहूं है, तो आम है ना, तो ये सब ऐसे होते हैं जो आपके, हाँ, धान भी है, बाजरा भी है, गेहूं भी है, आम भी है, ये सब क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, यानी कि उस पर नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है, एक ही पुष्प पर। तो अगर नर और मादा एक ही पुष्प पर हो, उसको उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है ना, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो धान है, इसके अलावा आपका बाजरा है, गेहूं है, आम है, ये सब क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है ना, और देखिए अगर एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर एक नर हो और एक मादा हो, यानी अगर एक वृक्ष पर नर पुष्प अलग हो, मादा पुष्प अलग हो, तो उसको हम कहते हैं उभयलिंगाश्रयी।
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं उभयलिंगाश्रय। आइए देखते हैं क्या होता है हमारे ऑप्शन में। तो देखिए, तो दोस्तों अगर केवल मादा पुष्प है, अगर किसी वृक्ष पर केवल मादा पुष्प है, फीमेल फ्लावर है अर्थात पिस्टिल है, या फिर केवल उसमें गाइनोसियम है, तो उसको हम कहते हैं स्त्री केसरी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पौधा जिस पर केवल नर पुष्प है, अगर केवल नर पुष्प होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पुंग केसरी, स्टेमिनेट कहेंगे। यदि मान लीजिए उभयलिंगी होगा, क्या होगा, उभयलिंगी होगा दोस्तों, तो उभयलिंगी किसको बोलेंगे, यानी अगर एक ही पुष्प पर नर और मादा अर्थात स्त्री केसर और पुंग केसर अगर एक ही पुष्प पर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उभयलिंगी कहते हैं, मतलब द्विलिंग वाला। और यदि एक वृक्ष पर नर पुष्प अलग हो, मादा पुष्प अलग हो, लेकिन एक ही वृक्ष पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयलिंगाश्रयी कहेंगे। और यदि एक वृक्ष पर केवल स्त्री केसर हो, उस पे नर पुष्प ना हो, तो वो स्त्री केसरी होता है। अगर किसी पुष्प पर केवल नर पुष्प का भाग हो, मादा नहीं होता, वह स्त्री केसरी होता है दोस्तों। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा उभय लिंगी, जिस पर स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों उपस्थित रहता है। तो देखिए, इन प्रश्नों के साथ मैं आज के क्लास को, यानी आज के प्रश्न संग्रह को विराम देता हूं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे आगे भी। जय हिंद, जय भारत।